नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोबाइल के वॉलपेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको नए नए वॉलपेपर लगाना पसंद होता है अपने मोबाइल में। दोस्तों वॉलपेपर चेंज करना या फिर दोस्तों बार बार नए नए वॉलपेपर लगाना उनको अच्छा लगता है, जिसके लिए दोस्तों वो प्ले स्टोर से काफ़ी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। बट दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसमें दोस्तों आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी और दोस्तों आप वही वॉलपेपर लगा सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी मोबाइल की दोस्तों जो स्टोरी होती है लॉक स्क्रीन स्टोरी, उस पर दोस्तों वॉलपेपर बदलते रहते हैं जब हम अपने मोबाइल को लॉक करते हैं और फिर दोस्तों उसको बटन दबाते हैं ऑन डिस्प्ले ऑन करने के लिए, तो वहाँ दोस्तों एक नया वॉलपेपर आता है। इस तरीके से आप डिस्प्ले देख सकते हो, इस तरीके से नए नए वॉलपेपर आते रहते हैं। दोस्तों आप इन्हीं दोस्तों जो स्टोरी होती हैं इनको आप अपने वॉलपेपर पर एडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा और दोस्तों बिल्कुल लगा के दिखाऊँगा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जिससे दोस्तों आपको समझ में आ सके कि आप भी अगर ऐसे वॉलपेपर लगाना चाहते हो अपने डिस्प्ले पे तो आप कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा जब हम अपने मोबाइल में लॉक लगा देते हैं तो इस तरह से बैक स्क्रीन हो जाती है। जब आप इसका कोई बटन दबाओगे मोबाइल का, जैसे मैं आपको बटन दबाता हूँ पावर के वाला, तो इसमें दोस्तों एक नया वॉलपेपर आता है आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। तो आपको क्या करना है, जब आप इसे फिर लॉक करोगे फिर ऑन करोगे तो फिर एक नया वॉलपेपर आएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे दोस्तों आपको कोई वॉलपेपर पसंद है इस डिस्प्ले पे, ऐसे जैसे आपको जो पसंद है, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले पे उंगली रखना है। ऐसे उंगली रखने के बाद, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ोन में पेस लॉक लगा हुआ तो आपको एकदम उसके सामने पेस नहीं रखना, नहीं तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो आपको इसे इस तरीके से दोस्तों अंगूठा रखना है और इसे ऊपर कर देना है। ऐसे करोगे आधा ऊपर, अंगूठा हटाना नहीं डिस्प्ले पे से, तो आपके मोबाइल पर दोस्तों जो टाइम आ रहा था या दोस्तों कुछ लिखा हुआ आ रहा था वो सब हट गया, यही दोस्तों ब्लर हो चुका है ऐसे देखिए। तो आपको ऐसे ऊपर कर देना है और इतना करने के बाद अब आपके मोबाइल पर सिर्फ वॉलपेपर रह गया है, बाकी दोस्तों सब कुछ सेकंड के लिए हट गया, यानी कुछ सेकंड का, जब तक आप इसको अंगूठे को यहाँ से नहीं हटा दो तब तक वो दोस्तों द्वारा नहीं आएगा। तो आपको इसे रखा रह देना है और आपको पावर के और दोस्तों वॉल्यूम डाउन इन दोनों को साथ में दबाना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए किस गया आपने देखा। तो अब दोस्तों ये जो स्टोरेज आ रही है ये एकदम क्लीन हो गई, आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट होके आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे अनलॉक करना है और आपको अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको दोस्तों नीचे आना है स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे, यहाँ आने के बाद दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे जाना है, फिर दोस्तों यहाँ पे सेट एस वॉलपेपर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब आपको इसे लॉक स्क्रीन पर लगाना है या होम स्क्रीन पर लगाना है, तो दोस्तों मोस्टली लोग होम स्क्रीन पर लगाते हैं वॉलपेपर, तो मैं होम स्क्रीन पर लगाता हूँ। अब दोस्तों देखिए जब मैं प्रीव्यू दिखा रहा है तो इस तरह से हमारे होम स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। मैं आपको इसे सेट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए जही मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया था, और दोस्तों देखिए ये हमारे मोबाइल पर एकदम फिट बैठ गया, यानी दोस्तों ये वॉलपेपर हमने अभी जो स्टोरेज में से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया था क्लीन करके, वो आपके वॉलपेपर पर ऐड हो चुका है। तो आप दोस्तों इसी तरीके से अपने मोबाइल में कोई सा भी वॉलपेपर लगा सकते हो जो आपको स्टोरेज में से पसंद आता है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा तरीका है वॉलपेपर लगाने का, आप इसे बार बार चेंज कर सकते हो। जब भी आपको कोई स्टोरी में नया वॉलपेपर दिख रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके, जैसे मैंने आपको लेके दिखाया था, आप उसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पर वॉलपेपर में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल पर नए नए वॉलपेपर लगा सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।